ये प्रणाम स्वागत है आप सब लोगों का गोपी ऐसा ब्लॉग में दोस्तों। हाय करी सब लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 7:30 हो चुका है और हम लोग तालाब घर से आ गए हैं यहाँ पर गाय का दूध निकालने। और दोस्तों कल हम लोग गए थे नदी के उस पार गेहूँ की दवाई करने, बिटुराई करने, और 2000 के चक्कर में दोस्तों हमारा तबीयत ख़राब हो गया है। तो 2000 में हम लोग 10 आदमी थे, 200 रुपया कमाए और पूरा दिन उधरे रह गए शाम तक लगभग 7-8 बजे तक। तो दोस्तों बहुत तबीयत ख़राब हो गया है, एकदम पूरा देह में दर्द है। वैसे ही देखिए हम वैसे ही सोए आके सो गए, तो अभी सुबह उठे हैं, बहुत दर्द है देह में। तो चलते हैं दोस्तों, पहले गाय का दूध निकाल लेते हैं, फिर नहा धो के तब दूध लेके बाज़ार जाएंगे दोस्तों। चलिए आओ अर्चना, चलो गाय का दूध निकालते हैं। और दोस्तों देखिए हमारी गाय पहना गई है, चलते हैं काओ मिल्किंग करने दोस्तों। और दोस्तों देखिए हमारी गाय का दूध कम होता जा रहा है, अब कुछ भी खिला रहे हैं लेकिन अब दूध कम होता जा रहा है, क्योंकि 5 महीने की गाभिन हो गई है और इसको 11 महीना हो गया है फर्स्ट बच्चा दिए हुए, जो पहले बार बच्चा दी थी। अभी 11 महीने से इसका दूध निकाल रहे हैं, तो इसीलिए अब कम कर दी है। और अभी भी दोनों वक्त दूध निकालते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों एकदम दूध कम हो गया हमारी गाय का, और सोच रहे हैं कि दूध कैसे इसका बढ़ाएं, क्योंकि हम ही दूध बढ़ाने के लिए बोलते थे बहुत लोगों को और हमारे ही गाय का दूध कम हो गया है। तो दोस्तों अब कम हो जाएगा क्योंकि 1 साल हो गया है बच्चा दिए हुए, अब कोई भी इसका दूध बढ़ा नहीं सकता चाहे कुछ भी खिलाएं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, अपने आप धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अभी इसका 11-12 महीना अब होने चला तो कम हो जाएगा, अब दूसरे बार बच्चा देगी तब दूध इसका फिर से बढ़ेगा। और 5 महीने का भी गाभिन हो गई है। और दोस्तों देखिए हमारा काऊ मिल्किंग हो गया है, और देखिए 1 बाल्टी बस दूध दे रही है हमारी गाय। पहले 1 डब्बे में भी दूध निकालते थे, तो बहुत दूध कम हो गया है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कैसे दूध बढ़ाएं गाय का, और अब बढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है इसको बच्चा दिए हुए। चलेंगे दोस्तों अभी हम नहा धो के बाजार दूध लेकर के। और दोस्तों देखिए हम दूध दे करके आ गए हैं दोस्तों, और दोपहर का समय हो गया है और आज है रामनवमी का मेला हमारे यहाँ दोस्तों। तो हमारे यहाँ बगल में ही मेला लगता है गांव से थोड़े दूर पर, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग मेला करने। सभी लोग देखिए एकदम तैयार हो गए हैं, हम भी बदल लिए हैं शर्ट और ये भी, और अर्चना भी पहन ली है, और बाबू ऐसे ही बोला हम यही पहन के चलेंगे देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, और छोटी को वहाँ पे रखे हैं तो चलते हैं उसको भी लेके और चलेंगे। आइए जी आ जाओ अर्चना, आओ बाबू चलो मेला चलो। चलते हैं दोस्तों हम लोग मेला करने, और मेला में दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को, वहाँ नाच वोच सब हो रहा है, आ जाइए। अर्चना क्या खरीदाएगा मेला में से बताओ, क्या खरीदोगी? अंडा। है अंडा नहीं दोस्तों, ये आज नवरात्र खत्म हुआ, आज अंडा खरीदने की बात कर रही है। अंडा नहीं खरीदेंगे, मिठाई उठाई खरीद लेंगे हम लोग और फिर चले आएंगे दोस्तों। और वहाँ नाच वोच हो रहा है वो सब आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों। चलते हैं हम लोग, अरे छोटी को ले लीजिए चला जाए, ठीक है चलो। क्या खरीदोगी बता दो, आप क्या खरीदोगी? भूल गई, गुब्बारा फुलावना ये सब खरीदेगी और खेलने वाला कुल गुड़िया उड़िया। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और पहुँचते हैं मेला में तब दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत सुंदर लड़का है, मैं इसलिए उनसे प्यार करती हूँ। सबसे प्यार करियो लेकिन ये दो गलवा से मत करियो। ये बताओ कि तुझसे प्यार मुझसे प्यार करेगी कि नहीं?
नहीं तूफान सिंह नहीं, तुझसे प्यार नहीं करूंगी। मेरे घर माँ भी है, मेरे घर बहनियां भी है, लेकिन तू नहीं है मेरे जाने मन मेरे बल्लू। आ एक बार मेरे सीने से लग जा। सुन इंद्रासन का परी चाय कितना ही खूबसूरत क्यों न बन जाए, घर की चाय कितना हो खूबसूरत क्यों न बन जाए, बाजार का चाय का स्वाद ही कुछ अलग होता है। आ मेरे जाने वाले मेरे बलवान, आ मेरे सिंह। और दोस्तों देखिए हम लोग तालाब घर में पहुंच चुके हैं मेला से, और ये देखिए मेला से क्या क्या लाए हैं हम लोग, क्या लाई अर्चना दिखाओ। ये देखिए अर्चना के लिए गुब्बारा खिलौना, और ये बाबू रिमोट वाला रो रहा था कि रिमोट वाला चाहिए, तो देखिए रिमोट वाला खरीदे हैं, इसमें सेल डालेंगे तो चलेगा ये गाड़ी। तो बच्चे लोगों का जिद क्या करे पूरा करना ही पड़ता है। और देखिए ये मूँगफली जलेबी पकौड़ी कई गो चीज़ लाए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग खाना पानी बनाएंगे और अतवरिया का मिल्किंग करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सभी लोग बाय बोलिए, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों।